तो गुड मॉर्निंग जी, राम राम जी, सारा ना जय माता दी। स्वागत है नई वीडियो में भाई। आज के दिन एक इन्फॉर्मेशन आया था, उस तक इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई ने। भाई वर्क वीजे वाले भाई आए हैं जो उनसे परेशान हो रहे इस बात पर लेकर। गाना गया यू सीन बन गया, अर्थात रियल भी ना बना, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा थोड़ा सा। बात ऐसी है भाई, किसी भाई ने अपना भाई पंजाब का था एक, अरे यूथ हम अपना यू स्क्रीन पर जो देख लग रहे हो ना, यू देखो पूरा कॉमेंट पढ़ो, ठीक है, ये कमेंट पढ़ो। इसमें बंदे ने क्या कह रहा है, क्या अगर भाई बंदे ने एजेंट ने कहा था उसका अगर भाई 800 सैलरी दूंगा वर्क वीजे पे, भाई 800 सैलरी देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट उसका 800 का ही बनेगा, ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट 800 का ही उसका कॉन्ट्रैक्ट है। और उसका कहा भी था 800 ही सैलरी मिलेगी। वर्क वीजे पे रहा बंदा पनीर की फैक्ट्री में, कोई फैक्ट्री है उसमें काम करने खातर रह रहा, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा बंदे के ला। वीजा तो सही है गया, जो उनकी जगह पकाए था वो भी सही है कि, बट सीन नहीं बढ़िया, सीन गलत हो रहा सुरे गिल्ला। काम करना पड़ रहा उन्हें 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, ठीक है। सैलरी सिर्फ उस तक मिल रही है 500 यूरो, कॉन्ट्रैक्ट 800 का बनने के बावजूद भी उसको 500 यूरो सैलरी मिलने लग रही है। तो इसमें भाई दिक्कत हो रही है भाई घनी बड़ी, मतलब यह बात अगर बंदा चाहे तो अपने एजेंट तक भी कह सके। एजेंट फिर आगे जिस तक वीजा लगवा रखे उनने मालक तक बात करेगा भाई दिक्कत कड़े रही, ठीक है। अगर एजेंट थारा ट्रस्टेड होगा बढ़िया होगा, ठीक है। अगर वो ऐसा बंदा नहीं है, एजेंट ऐसा नहीं है, तो भाई फिर थमने दिक्कत होगी इस बात में, क्योंकि सैलरी 500 में बिल्कुल भी बारा नहीं बनता। काम लेवा गाना वर्क वीजे में, काम करना पड़ा गाना, और इतने भी समय बारा नहीं खाता भाई। बाकी गलत है भाई वो गाने एजेंटा के, यही तो मैं बात कहूँ भाई। हम अपना बढ़िया डाल देख दाका परख का एजेंट की गिल्ला पुष्टि कर गए, सारा सिस्टम ओके कर गए, ठीक है। एजेंट जमीन न्यू करता नहीं जी ओके, हाँ भाई ये बात सारी मैं अपने ऊपर ले लग रहा, अगर ये बात नहीं हुई तो भाई हम बेसकता है मेरे ऊपर उल्टा केस कर सको, या मेरे तक कह सको, या मेरी जिम्मेदारी है, मतलब अगला बंदा जब तक इन बात तक ही जिम्मेदारी नहीं लेता, वर्क भी जगह कहीं भी काम ना कराओ। क्योंकि मैं इतनी सी बात कहूँ यार, बंदे पता नहीं यार कड़कड़ तरह बैठा हूँ और कड़कड़ दफी से करा अरेंजमेंट, अरे ये एजेंट के एजेंट का मिनट नहीं लग दी यार इनकी, न्यू आस्ते ऐसी हो जाए गरीब आदमी ना मार करता है, गरीब आदमी मर जाए, मतलब यार कोई गधा है कि वो, हाँ भाई वो काम करेगा 10-11 घंटे, उस तक जितनी कह रखी उतनी तो दे, उसके भी दिमाग में कुछ सोच होंगी अगले के पीछे पूरे करने होंगे, उसके पास जाएगा कड़ी वो अपने दगर दो पीछे भेजेगा, पहला पीछे पास पूरे करके ना कड़ी आज ही थोड़ी हो जाएंगे रुपये पूरे, 7-7 लाख रुपया 8-8 लाख रुपया लान लग रहे, पूरा क्या करेंगे उन्हें एजेंट पूरा भेज देंगे, भेजने के बाद क्या कर सको, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई मैं अपना यही बात कहूँ सारा ना कि भाई अपना देख परख करना बढ़िया डाल सारा कुछ कर करना, जिप जाएगा अपना फाइल फूल कराया करो, क्योंकि यार इतना ईजी नहीं होता जितना तुम सोचो इंडिया में बैठ कर। तब अपना स्वाद स्वाद में नए नए चस्के चस्के में तुम बैर जाना बस इसी चस्के में, मतलब बंदा जल्दबाजी में कई बार गलत डिसीजन कर ला, गलत एजेंट चुन ला, तो उस बंदे ना फिर दिक्कत हो यार, गाना गानी दिक्कत हो जाए, परेशानी होगा, ठीक है, परेशानी है यार बंदे ना, बंदे का जी टूटा मेरे भाई। 500 यूरो में क्या बना यार, कुछ भी नहीं बनता, हाँ 10-10 घंटे 11-11 घंटे काम करेगा, वो भी फैक्ट्री में, फैक्ट्री में तो सैलरी भी घनी बड़ी हो मेरे भाई, एक्स्ट्रा टाइम के 5 रुपये घंटा मिला ये फैक्ट्री हट में, हमने पता भाई ये घंटा 2 घंटे का ऐट का देखो भीतर, सारा दिन मशीना में बोले हो जाए, आदमी मशीन चल रहा है नहीं जी, ठीक है, गर्मी में ही गर्मी आएगी। तो मैं तो भाई सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँ भाई, लड़ ले भाइयों अपने माँ बाप के पीछे का गलत बिल्कुल ना उपयोग करो भाई, ठीक है, सोच पर रखा है, चल माँ बाप थारे हक में यार थारे गेला खड़े हैं, उन्हें तो पीछे देने हैं बेचारे चकड़ी तो दे, लेकिन मेरे भाई थोड़ी सी सोच समझो, धक्के खाओगे नहीं जी भी कुछ नॉलेज मिलेगी। और रही बात उसकी, मैं थर तक लग रहा भाई, उस भाई ने मैं एक राय देना चाहूँ जो उनसे भाई के लिए सीन बनाया है, 500 यूरो सैलरी है ना जिस भाई की, उस भाई तो मैं डायरेक्टली एक बात कहूँगा, इतना बढ़िया सोल्यूशन दूँगा उस भाई ने मैं, ठीक है, उसकी उसका 100% सोल्यूशन हो जाएगा। और उस तक कहना चाहूँ भाई पर्सनली एक बार मेरे पास कॉल कर, ठीक है, 100% तेरी इस बात का सोल्यूशन करावेंगे, ठीक है, वो हमारी सिरदर्दी है,
अपन यू नहीं कर दे भाई, अपा श्योर है बट करना नहीं पड़ेगा, बट आप एक गाइड करेंगे ना उसने, एक उस बात के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है भाई। ना का के प्रोसेस करना है अपना सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी हुई है उस खातर भाई उतनी ही सैलरी मिले ताकि उसको, ठीक है उसको क्या करना है उसका, मैं पर्सनली उसको बात करके उसका करता हूँ, फिर उससे बात करूँगा। मैं भी भाई यहाँ की एम्बेसी उसको ओपन वीज़ा दे दे जो मैं प्रोसेस बताऊँगा, मैं भी अगर उसको ओपन वीज़ा मिल जाता है तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा उसके लिए। फिलहाल अपना ऐसे डाल के स्कैम मत बचो, तो जल्दी ही भाई नई नई जानकारी के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए वैसे सारे भाई ना, राम राम भाई, जय भाई।